बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड दे लिलीज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों सहित लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में निकाली पैदल यात्रा। हरि कीर्तन और जय श्री राम के नारों को लगाते हुए शामिल हुए सैकड़ों भाजपाई। कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोदार ने बराकर नैनीजोड़ खटाल परिसर में मंदिर का किया उद्घाटन। विधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प से किया गया इसका निर्माण। बाबा गोवर्धन मंदिर के निर्माण में खर्च हुए 3 लाख। विधायक डॉक्टर पोदार ने कहा, लंबे समय से श्रद्धालुओं के स्तर से हो रही थी मंदिर की मांग। बराकर और आसपास का इलाका हुआ राममय। इस अवसर पर लोगों ने कई तरह के कार्यक्रमों का किया आयोजन। स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर किया गया प्रसाद का वितरण। बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लगाई LED स्क्रीन। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का हुआ सीधा प्रसारण। उपस्थित रहे बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, सचिव कृष्णा दुधानी व अन्य। वहीं पंचायती ठाकुर बाड़ी में भी रामायण पाठ तथा भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। इस अवसर पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोदार, अर्जुन अग्रवाल, निरंजन अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, पप्पू चौधरी, पप्पू अग्रवाल, अरुण शर्मा आदि उपस्थित थे। ग्वालापट्टी स्थित शिव मंदिर में हुआ भजन और कीर्तन, किया गया प्रसाद का वितरण। इस अवसर पर संजीव यादव, सुरेंद्र यादव, किशोर साव, उपेंद्र बर्णवाल, मनोज अग्रवाल, अजय व अन्य उपस्थित थे। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन। दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक। दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक। वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। कोयला आसनसोल सर्किल के 102 स्कूलों के 270 बच्चों की क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई आयोजित। रानी सायर मैदान में हुआ इसका आयोजन। विजेता बच्चे महकमा स्तरीय प्रतियोगिता में होंगे शामिल। कुल्टी में आयोजित होगी महकमा स्तरीय स्पर्धा। जामुड़िया में होगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता। महकमा के विजेता शामिल होंगे इस स्पर्धा में। अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी शामिल हुए विभिन्न शोभा यात्राओं में। कुल्टी थाना इलाके के शीतलपुर में निकली शोभा यात्रा शामिल हुए सीतारामपुर से निकली शोभा यात्रा में भी। इसी क्रम में पहुंचे आसनसोल रेल पार ओके रोड की शोभा यात्रा में। राजनीतिक टिप्पणी करने से किया इनकार। सभी के कल्याण की प्रार्थना की प्रभु राम से। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की आसनसोल शाखा 3 की हुई त्रिवार्षिक आम सभा। 11 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का किया गया चुनाव। पदाधिकारियों ने दी जानकारी, हर 3 साल पर होती है आम सभा। पेश की गई वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय लेखा जोखा। पारित किए गए कई प्रस्ताव। केंद्र सरकार के स्तर से लागू की गई नई पेंशन स्कीम रद्द करने की उठाई मांग। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर दिया जोर। आंदोलन करने का भी लिया निर्णय। पुरुलिया में अयोध्या पहाड़ियों में स्थित है सीता कुंड। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नहीं पड़ा कोई खासा प्रभाव। सामान्य दिनों की तरह ही होती रही पूजा। इस समय सैलानियों का प्रवाह है ज्यादा। लोक कथा में है प्रचलन, वनवास के समय राम सीता लक्ष्मण आए थे इन पहाड़ियों में। सीता को लगी प्यास, नहीं था कोई जल स्रोत। अयोध्या पंचायत में बांगड़ी। राम ने तीर मारा जमीन पर, निकल पड़ी पेयजल की धारा। जल स्रोत के पास है मंदिर, अंदर हैं राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां।
दीवारों पर चित्रित हैं रामायण में वर्णित दृश्य। आसनसोल के तपसी बाबा मंदिर में आयोजित हुआ भव्य धार्मिक अनुष्ठान, अयोध्या के रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पावन मौके पर किया गया आयोजन। इलाके के श्रद्धालुओं में था भारी उत्साह, दिन भर चलता रहा भजन और कीर्तन। समापन पर हुआ भंडारे का आयोजन, पूरा इलाका बना हुआ था राममय। तिलक बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। युवा शिल्पी संघ नए सिरे से करेगा पुस्तक मेले का आयोजन आसनसोल में। आगामी माह होगा इसका आयोजन, पिछले कई वर्षों से शहर में करता रहा है आयोजन। मेयर विधान उपाध्याय से मिला आयोजकों का शिष्टमंडल, नियम के तहत खाली स्थल के आवंटन की मांग, पोलो ग्राउंड पर भी हो रहा विचार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर आसनसोल नॉर्थ तृणमूल प्रखंड एक कमेटी ने निकाली सद्भावना रैली। रैली गिरजा मोड़ से शुरू होकर पहुंची राहा लेन तृणमूल कार्यालय तक। नेतृत्व किया प्रखंड अध्यक्ष सह MMIC गुरुदास चटर्जी, पार्षद जीतू सिंह ने। नेताओं ने कहा, देश में नहीं चलेगी धर्मीय विभाजन की राजनीति। बाराबनी इलाके के प्राथमिक विद्यालयों की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का सोमवार को हुआ समापन। कुल 8 पंचायत इलाकों के 88 प्राथमिक विद्यालयों ने लिया था भाग। उपस्थित थे बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय और जिला परिषद अध्यक्ष असीत सिंह, साथ ही पश्चिम बर्धमान जिला स्कूल निरीक्षक देवाशीष सरकार, AI सुमित रॉय, बाराबनी अमर विद्यालय के निरीक्षक अक्षय भट्टराज और अन्य। मुख्यमंत्री सह तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी का था निर्देश। बाराबनी प्रखंड तृणमूल कमेटी ने निकाली सद्भावना रैली। बाराबनी रेल गेट इलाके से शुरू हुई रैली, समापन हुआ दोमुहानी बाजार में। रैली का नेतृत्व किया प्रखंड अध्यक्ष असीत सिंह, उपाध्यक्ष केशव राउत, माला बावरी ने। बड़ी संख्या में महिलाओं की थी भागीदारी। गंज के NSB रोड स्थित मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के सामने हुआ धसान, स्थानीय लोगों में है दहशत। रानीगंज ट्रैफिक विभाग ने की बैरिकेडिंग, बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा ने दोषी ठहराया केंद्र सरकार को। NHAI के स्तर से निगम प्रशासन को नहीं मिल रहा सहयोग, धसान की भराई, सुरक्षा करेगा NHAI, धसान का कारण बताया हाइड्रेन को।